हाँ जी, तो क्या हाल है सबके? लगता है सब बढ़िया होंगे। भाई वीडियो का थंबनेल तो देख लिया है। आपने जो थंबनेल में देख के क्लिक किया है वो ये। हम क्या करेंगे, सोडियम मेटल को जो है ईमानदस्ता होता है ना, जिसमें हम मसाले कूटते हैं, उसके अंदर डालेंगे और तब देखेंगे कि कैसी रिएक्शन हमें देखने को मिलती है। तो चलिए देखते हैं। चलिए सोडियम मेटल को सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। तो सोडियम मेटल को हम सबसे पहले खाली कर लेते हैं इसके अंदर। भाई जो सोडियम मेटल है वो केरोसिन के अंदर आता है। गाइस जो सोडियम मेटल है वो केरोसिन के अंदर आता है। हम सबसे पहले सोडियम मेटल निकाल लेते हैं। गाइस देखिए इस तरह का होता है सोडियम मेटल। देखिए गाइस इस तरह का सोडियम मेटल होता है। सबसे पहले हम इसमें से निकाल लेते हैं जितने हमें सोडियम मेटल चाहिए। तो गाइस ये देखिए ये सोडियम मेटल है। इसमें ये देखिए इसमें केरोसिन लगा हुआ है। तो ये सोडियम मेटल हमने निकाल लिया। अब इसको एक बार साफ कर लेते हैं क्योंकि इसमें कैरोसिन लगा हुआ है, ये रिएक्ट नहीं करने वाला है इसके साथ। मैंने हाथों की सेफ्टी के लिए इसमें ग्लव्स ऑलरेडी पहन रखे हैं। सबसे पहले ये बॉक्स बंद कर लेते हैं। इसके अंदर जो कैरोसिन है वो भी काफी जल्दी रिएक्ट कर सकता है। चलिए इसके अंदर पानी भरते हैं। सबसे पहले हमने आधे से थोड़ा कम इसके अंदर पानी भरा हुआ है। अब इसके अंदर हम सोडियम मेटल डालते हैं। चलिए डालते हैं। चलिए इसके अंदर हम डालते हैं सोडियम मेटल को, तब देखते हैं क्या होता है। सो गाइस देखा आपने कितना ज़्यादा वो एकदम से ब्लास्ट होकर फूटा। इसमें हल्का सा भी पानी नहीं बचा है। जो हमने चार डाले थे इसके अंदर सोडियम मेटल, और एकदम से ब्लास्ट हुआ, दो बार वो भी ब्लास्ट हुआ है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जाके सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए ऐसे अच्छे एक्सपेरिमेंट लाता रहेगा। थैंक यू सो मच।